अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रहा हूँ, इमरान भाई आ रहे हैं तुर्की से और मैं इमरान भाई को लेने जा रहा हूँ लाहौर। तो अभी टाइम हुए हैं 2:45 के, तो अभी मैं निकलने लगा हूँ लाहौर के लिए, अकेला ही हूँ। तो इंशाल्लाह 5:30-6 बजे तक पहुँच जाऊँगा उधर लाहौर। उसके बाद रात को फ्लाइट है 2 बजे इमरान भाई की, तो मैं अपने घर चला जाऊंगा और वहां से निकलूंगा कोई 1-1.5 बजे के करीब एयरपोर्ट के लिए। तो 2 बजे उन्हें पिक करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जर्नी।
लेकिन जी अब मैं अख्तराबाद में मैंने स्टॉप किया, मैं अपनी कज़न के घर आया हूँ, वहाँ पर अब मैं चाय पीऊँगा और खाना शाना खा कर फिर आगे लाहौर का सफ़र कंटिन्यू करूँगा। ले जी मैं आया हुआ हूँ अपने चाचू की बेटी का एक घर है, यहाँ अख्तराबाद में उनका घर है, तो इसकी शादी इधर हुई है, तो मैंने कहा चले मिलते जाएं, एक तो हेलो आए हो जाएगी, दूसरा खाना और चाय का कप पी रहा हूँ, खाना मैंने खा लिया, उसके बाद आप चाय पियेंगे और पूरा रात तक फिट हो जाएगा सारे का सारा मामला। अभी चाय पी कर फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे। और जी कार सारी खैरियत है? शुक्र अल्लाह पाक ने। हस्बैंड भी आपके ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक का। ते कार कुछ कहना होवे ते? नहीं सर, मेरा पिंड में बहुत याद आंदा है। अच्छा। सारे जिन्ने भी सी मेरे कजन वगैरह पुप्पो सब मेनू बड़े याद आ, क्योंकि मैं तो कल्ली रहनी है। इनकी शादी इधर अख्तराबाद में हुई है और इधर हमारा रिलेटिव वगैरह कोई भी नहीं रहता, ये अकेली रहती हैं यहाँ पर, तो इसलिए जब भी हम गुजरते हैं या आते जाते रहते हैं तो फिर चक्कर लगाते हैं इनको मिलकर, लाजमी जाते हैं। अब जब भी आप आए गाँव तो फिर मिलने आऊंगा मैं उधर, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके जी फिर। माल रोड पर मैं खड़ा हूँ,
रात के 2 बज गए हैं और मैं इधर खड़ा हूँ माल रोड पर, तो जैसे ही ये इशारा खुलता है तो फिर हम चलते हैं। ले जी, अब मैं पहुंच गया हूँ लामा इकबाल एयरपोर्ट। अभी रात के 2:30 बजे हैं। बस इमरान भाई वगैरह पहुंच गए होंगे कि उनकी 1:50 के ऊपर उनकी थी प्लेन का टाइम था, फ्लाइट टाइम 1:50 था। अभी 2:30 बजे हैं तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है पहुंच चुके होंगे, तो अभी हम जाकर उन्हें रिसीव करते हैं। जी मैं अराइवल पर पहुंच गया हूँ, 2:30 बज गए हैं। जहाज़ इमरान भाई का सही टाइम पर उतरा, 1:50 का टाइम था। उनकी फ़्लाइट है एमरेट्स की फ़्लाइट थी EK-722, उस पर वो आए हैं, तो वो तो एग्जैक्ट टाइम पर उतरा। तो मैं अभी लाउंज में खड़ा हूँ, उनका यहाँ वेट कर रहा हूँ, अभी तक वो बाहर नहीं निकले। तो जैसे ही बाहर आते हैं फिर देखते हैं अगला नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होगा। बजाद आ गया, बजाद को मैंने ऊपर से देख लिया, उसकी वीडियो भी मैंने कैप्चर किया, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। बाद में मिलता हूँ उसके। इमरान भाई मैं समझा तुसी अंदरों ही परे किधर के चले गए जे। जबरदस्त। इमरान भाई वगैरह पहुंच गए हैं, ठीक है जी। ये निकले हैं सुबह 3 बज गए करीब, मैं वैसे 2:30 बजे आया हुआ था। इन्होंने मुझे कहा था 3 बजे आने का, लेकिन बस वो रास्ते में जो रश था ही नहीं, तो इसलिए हम जल्दी पहुंच गए। मिले जी इमरान भाई, बिलाल वगैरह सारे पहुंच गए हैं, अभी बैठे बस वेट कर रहे हैं। बिलाल भाई चले गए हैं वॉशरूम, वो जैसे ही जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह निकलेंगे वापस। रश काफ़ी था पार्किंग एरिया में, तो गाड़ी मैंने काफ़ी पीछे पार्क किया। तो एक तो दूसरा कि यहाँ पर वो काम भी कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, सारा पार्किंग एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, तो गाड़ी मैंने काफ़ी पीछे पार्क किया। अभी सारे आ गए हैं, बस बिलाल भाई का वेट हो रहा है, तो जैसे ही वो फारिग होते हैं तो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। ये जी रात रास्ते में हमने स्टे किया, टी ब्रेक चल रहा है, चाय पी रहा हूँ। ये एक नई मशीन मैंने देखी है पहली दफ़ा, ये खुद बहुत सारा कुछ इसमें डाल दें और ये चाय बना देता है, तो इसकी चाय बहुत बेहतर रहती है। ये मैंने एक दफ़ा बैक में भी पी थी, तो मुझे आज पता चला ये इससे बनती है। ये जो मेरे पीछे पड़ी हुई मशीन आपको नज़र आ रही होगी, मैं दिखाता हूँ आपको इसका व्यू। ये है जी, ये मशीन बनी है, इसमें कहते हैं सारा कुछ मिक्स कर देते हैं। सिर्फ एक थोड़ी सी शिकायत है कि चीनी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन चाय मज़ेदार है। 10 मिनट का ब्रेक हुआ है, अब हम चलने लगे हैं दोबारा जर्नी कंटिन्यू। जी ले जी, मरामी निकले जी। निकले